पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव सरगर्मियां जोरों पर चल रही हैं और उन्हीं में से एक है जलंधर लोकसभा सीट। ये सीट और यहाँ का मुकाबला इस बार पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है, रोचक हो गया है, क्योंकि एक बड़े दिग्गज कांग्रेस ने यहाँ से उतारे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। 2022 तक, 1999 से लेकर 2022 तक कांग्रेस का गढ़ लोकसभा सीट रही जलंधर। अब एक बार फिर उम्मीद कर रही कांग्रेस आपको चुनावी जंग में उतारकर कि वो किला फिर से आप अपने पास लेकर आएंगे, उस किले को बचाएंगे जो 2013 के बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के पास चली गई थी सीट। जरूर जीतेंगे, लोगों का जिस तरीके से रुझान है, लोग बड़े पैमाने पे हमें वोट देना चाहते हैं और देंगे, और हम बड़े बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। आप जैसे दिग्गज नेता राजा बड़े विरोधी कह रहे कि ये अपनी अपनी सीटों पर फंस कर रह गए। मैं ना तो दिग्गज हूँ, ना कोई मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं साधारण सा छोटा सा आदमी हूँ, और मुझे जहाँ भेजा गया पार्टी ने, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, और दूसरे क्षेत्रों में भी, मैं अनंतपुर साहब भी जाकर आया, और जहाँ जहाँ मेरी डिमांड होती मैं वहाँ जाता हूँ। आप कह रहे हैं या तो नशा माफिया रहेगा या तो मैं रहूंगा। नशा सालों से मुद्दा है पंजाब के लिए, क्या ये ऐसे मुद्दा रहेगा या इस पे वाकई में कोई काम भी होगा? इसके अलावा आप दूसरा बेरोजगारी का, युवाओं के प्लान का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा है कि नशा तो आज समय से है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अभी जो ये नए नशे इंट्रोड्यूस हुए हैं ये घातक हैं, और 2 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जलंधर के लोग सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से परेशान है वो नशे से है, तो मैं अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो मैंने उनके काम करना है उनके लिए, और सबसे बड़ा जो उनकी दिक्कत है उसको हटाना है। अगर यहाँ नशा नहीं हटेगा तो चन्नी हट जाएगा। मैं अगर मैं रहूं, या तो नशा रहेगा या मैं रहूंगा, ये मैं कह चुका हूं और इस पे मैं काम करूंगा। आपका मुकाबला किसके साथ मानकर चल रही है आप, किस पार्टी के उम्मीदवार के साथ मुकाबला है? मुझे नहीं लगता कोई मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस अच्छे कंफर्टेबली यहाँ जीत रही है। कितनी सीटें पंजाब में आप कांग्रेस को देना चाहेंगे, आपको कितना अनुमान है कि इतनी सीटें कांग्रेस पंजाब में जीत जाएगी? और साथ में मुझे ये बताएं कि देश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर क्या आंकलन अभी तक आपका, कितनी सीटें जीत सकती? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा 13-0 होगा, 13-0 ही होगा, जिसमें 0 उनकी होगी। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार 400 पार ही होगा, 400 के पार वाली उनको मिलेंगी, 400 तक की कांग्रेस को मिलेंगी। कांग्रेस को अभी भी ईवीएम पर शक है, डाउट है? कांग्रेस के सभी बड़े नेता ये आशंका जता रहे कि गड़बड़ी हो सकती है, आप लोगों को यहाँ पर भी लगता है? हमने पहले भी कहा है कि वहां से एक पर्ची निकलनी चाहिए मशीन से, बाद में अगर जरूरत पड़े तो पर्चियों की गिनती हो जाए, तो ये अभी हो नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी हमारे कुछ लीडर इस पे शक कर रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। फिर से मैं जलंधर सीट पर ही आना चाहूंगी सर। जलंधर सीट, संतोख सिंह का परिवार दिग्गज आपके सांसद रहे, गढ़ बचाए रखा, लेकिन वो परिवार पार्टी बदल गया, पाला बदल गया। उधर से सुशील रिंकू, पार्टी ने टिकट दिया था आम आदमी पार्टी, सांसद भी बन गए, लेकिन अगले बार भी टिकट दिया, फिर पाला बदल गए। इस तरह की राजनीति लोगों के बीच में चर्चा होती है इस पे, ये जो दल बदल की राजनीति का नया रूप हम इस बार लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं? लोग दल बदलने से तंग आ चुके हैं, ये लोग लालच, डर या चौधर के लिए आगे बढ़ते हैं, पार्टी को छोड़ते हैं, जब देखते हैं कि जी अब ये पार्टी थोड़ा डाउन आ रही तो अगले में चले जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति हमारे सभ्याचार को, हमारे कल्चर को खराब करती है, ये हमारी सोच को खराब करती है, आने वाली जनरेशन को हम एक रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो कभी भी हम ऐसे नहीं थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। जो एक बार पार्टी से वादा कर लिया उस पर रुकना चाहिए। जो अगर रिंकू ने कांग्रेस छोड़ भी दी थी तो आम आदमी पार्टी ने तो उसको एमपी बनाकर टिकट भी दे दी थी, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए था, तो रुकना चाहिए ना कहीं। तो खुद राम भक्त मानते हैं अपने आप को, लेकिन राम की आइडियोलॉजी पे, उनकी जो शिक्षाएं उन्होंने दी उस पर काम नहीं करते। तो ये लोगों को लोग हाशिए पे कर देंगे,
ये टेम्परेरी होता है, ये राजनीति से बाहर हो जाए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आम आदमी पार्टी के साथ आपका अलायंस है वहां पर, और यहां पर आप लगातार उनके साथ एक दूसरे के ऊपर आवार पलटवार कर रहे हैं। ऐसा है कि हमने उनका राज देख लिया है, 2 साल लोग पछता रहे हैं कि हमने इनको वोट दी और ये लोग ऐसे निकले कि हर तरह से यहाँ गंदगी भी फैला रहे हैं और करप्शन भी फैला रहे हैं, हमारा पैसा लूट के ले जा रहे हैं, और जो वादे किए थे उनपे पूरे नहीं उतरे, एक नौटंकी की तरह सरकार चल रही है। लोगों ने समझ लिया है, लोग पीछे हट गए हैं, हम इनके साथ कभी चल नहीं। लेकिन बाहर तो अलायंस है ना आपका, चंडीगढ़ में अलायंस है? मेरा नहीं है, पार्टी के अगर कोई है तो हम उसको मानते नहीं, हम अपने पंजाब तक सीमित है और पंजाब हम जिताएंगे और आम आदमी को हराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे चरणजीत सिंह चन्नी, जलंधर सीट से कांग्रेस ने इन पर दांव खेला है और यहां उनको पूरा विश्वास है कि वो जीत दिलाएंगे, क्लीन स्वीप होगा। जो आम आदमी पार्टी का दावा है कि 13-0 होगा, 13-0 होगा वो कह रहे हैं, लेकिन ये 13-0 कांग्रेस के हक में होगा। देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं सच साबित होंगे। फिलहाल न्यूज 18 के लिए मेरे सहयोगी अजय कुमार के साथ मैं सुदेश नैन मोर, जलंधर।